आप सब इतनी रात गए हमारे कक्ष के बाहर क्या कर रहे हैं? महाराज, ये आपने क्या दशा बना रखी है? मनी मनी, हाँ, होली का त्योहार तो कब का समाप्त हो गया, पर अभी तक महाराज रंग लगाकर होली क्यों खेल रहे हैं? लगता है महाराज को होली का त्योहार पसंद आ गया है, अकेले अकेले होली खेलने लगे। किन विचारों में लीन हो गए आप सब? महाराज, हम सब आपके लिए बहुत चिंतित थे। आप 3 दिवस से कक्ष के बाहर नहीं पधारे हैं। 3 दिवस हो गए? 3 दिवस? हाँ महाराज। समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। सत्य कहा है किसी ने, जब एक कलाकार अपनी कला में लीन हो जाता है तो उसे समय का आभास ही नहीं रहता है। क्या दिन क्या रात। कौन कलाकार, कैसी कला महाराज, कहाँ है कला और ये भीतर क्या कलाकारी चल रही है? हम स्वयं अपनी बात कर रहे हैं। सत्य का महाराज, आपने, हम भी जब सौदामिनी की कला में लीन होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता है। हमारा कहने का तात्पर्य है, जब हम पवित्र नृत्य कला में लीन होते हैं तो अलौकिक अनुभूति की प्राप्ति होती है हमें। जी जी गुरुवर। परंतु महाराज, आप ऐसी कौन सी कलाकृति में लीन थे जिसके कारण घर परिवार राज्य सब भूल बैठे? आप सब जानना चाहते हैं? हाँ। अद्भुत, आइए भीतर चलिए हमारे साथ। यही है वो कला जिसने गत 3 दिवसों से हमें उलझा कर रखा हुआ है। वाह वाह महाराज, क्या कलाकारी है, अद्भुत। कैसे कलात्मक रूप में आपने वस्त्र को बिछाया है, अद्भुत। गुरुवर, कला इस वस्त्र के पीछे है। एक शब्द, चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय के हाथों बनी इस अद्भुत कलाकृति को देखने का सबसे पहला अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। समस्त विजयनगर राज्य को गर्व होगा ये देखकर कि उनके महाराज ने इतनी अद्भुत कलाकृति बनाई है। आप लोग बताइए, आपको ये चित्र कैसा लगा? क्या है, तुम दोनों को कुछ समझ आ रहा है? उसे को जा रहे हो, हटो बच्चे। क्या हुआ गुरुवर, स्तब्ध हो गए आप? जी महाराज। आप बताइए गुरुवर कि इस चित्र को देखकर आपको क्या स्मरण होता है? महाराज, हमें तो ये महाराज ऐसा लगता है कि गुरुवर आपका चित्र देखकर इतने अचंभित हो गए हैं कि उनके मुंह से वाणी नहीं निकल रही है। हा, 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 है ना गुरुवर? गुरुवर, वाणी तो निकालनी होगी आपको। आप बताइए इस चित्र में आपको क्या दृष्टिगत हो रहा है? कहिए कहिए गुरु जी, कहिए। धनी, ये दृश्य तो साधारण मनुष्य की भी समझ में नहीं आएगा, तो हमारे गुरुवर को कौन सा समझ में आने वाला है? और मम्मी, हमें तो समझने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ गुरुवर, आपको बताना ही होगा क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में। हाँ महाराज, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, हमें इसमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड? हाँ ब्रह्मांड,
जैसे यशोदा मैया को नन्हे श्री कृष्ण भगवान के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे, वैसे ही महाराज ने हमें समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। धन्य है महाराज, आपकी जय हो। महाराज श्री कृष्ण। नहीं गुरुवर, ये ब्रह्मांड नहीं है। इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। अत्यंत खेद की बात है कि आप इतने महानुभव विद्वान हमारे आचार्य इस कला को परख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे आप। और कोई है बुद्धिमान जो यहां? महामंत्री जी। महाराज आप बताइए हमें कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। जी महाराज वो कला के विषय में हमारी समझ ही कहाँ है महाराज। अर्थात हम संपूर्ण समय हमारे राज कार्य में व्यस्त होते हैं महाराज, परंतु महाराज असली कला प्रेमी तो केवल आप हैं। वो तो है महाराज। महारानी चिन्ना देवी। महाराज हम बताते हैं महाराज, यहाँ किसी को कुछ ज्ञात नहीं है, हम आपको बताते हैं। हमें लगता है ये कल 3 दिवस पूर्व हमने जो बहुमूल्य हार पहना था ना, ये वही है। देखिए ये उस हार की माला है, ये जड़ाऊ पन्ना है, बहुमूल्य हीरा है। हीरा है ना महाराज, ये हार है ना। हम हार गए। महारानी तिरुमलम्मा ये आपका हार नहीं है। रामा सतर्क, अंत में बाण तेरी दिशा में आने वाला है। पंडित रामकृष्णा। महाराज हमारे विशेष सलाहकार, आप तो सबसे बुद्धिमान हैं। आप बताइए कि आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। बोलिए 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 पंडित रामकृष्णा, बोलिए बताइए। मुझे हाँ महाराज, जो मुझे दिखता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, और जो आप देख सकते हैं वो मंत्रीवर की कल्पना से परे है, और जिसकी कल्पना मंत्रीवर कर सकते हैं वो गुरुवर को समझ में नहीं आ सकता। विक्षिप्त हो गए हैं क्या? क्या बोले जा रहे हैं? महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए पंडित रामकृष्णा। मैं उसी की तो व्याख्या करने का प्रयास कर रहा था गुरुवर। महाराज आपके प्रश्न का उत्तर तो अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अर्थात जैसे आधे भरे हुए जल के पात्र को कोई आधा भरा हुआ कहता है तो कोई आधा खाली। अब जिसका जैसा दृष्टिकोण उसकी वैसी व्याख्या। उसी तरह गुरुवर को आपके चित्र में ब्रह्मांड दिखा, और छोटी महारानी जी को आपके चित्र में अपना नवरत्न हार दिखा। उसी प्रकार महाराज अलग अलग लोगों को आपके चित्र में अलग अलग चीजें दिखेंगी। कितनी महानता है इस चित्र में। पंडित रामकृष्णा बात मत घुमाइए, एक शब्द में बताइए ये क्या है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम आचार्य। अरे ये क्या है? हाँ हाँ आइए 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 कोतवाल जी, देखिए इस चित्र को, इस अद्भुत चित्र को, और सबको बताइए कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई देता है। आप इसे चित्र कह दिया। कोतवाल जी शांत हो जाइए, ये चित्र। अरे मत कहिए चित्र, ये चित्र नहीं विचित्र। अरे पंडित रामकृष्णा मैंने अपने पूरे जीवन में ये सब चित्र चित्र नहीं देखा। कोतवाल जी कृपया मौन हो जाइए। अरे क्यों मौन हो जाऊं, मैं बोलूंगा। अरे अरे ये क्या बात हुई कि कहीं से भी कोई रंग उठा लिया, इधर लगा दिया उधर लगा दिया, और बन गए कलाकार। मैं कहता हूँ कौन है वो कलाकार जिसने इतनी विचित्र चित्रकारी की है? अरे इससे अच्छी चित्रकारी तो एक दूध पीता बच्चा कर लेगा। कोतवाल कोतवाल जी ये चित्र महाराज ने बनाया है। कोतवाल को बंदी बना लिया जाए और आजीवन कारावास में डाल दिया जाए अभी।
महान चित्रकार अच्छा त्रुटि हो गई। और कोई है जो कोतवाल की बात से सहमत है? महाराज हमें लगता है कि इस चित्रकारी में कोतवाल का कोतवाल की क्या अपराध है? उसे कितनी पसंद नहीं आती उसे मना कर दिया। जल उठा लो और पी लो, उपमा समाप्त करो। क्या बोल रहे कुछ समझ नहीं आता। यही तो मैं कह रहा हूँ शारदा, ये आवश्यक नहीं है कि महाराज ने जो चित्र बनाई है वो सबको समझ में आए। हाँ ये सही है, ये तो महाराज की तानाशाही है। लामा उठा ले। क्या तू भी उठा ले? अरे लामा मुदे गोद में उतर ले, मुदे बह लगला है। मैं कोतवालन, कोतवाल की पत्नी कुमुद वल्ली। अरे धोती छोड़। अरे क्या कर रही है, अपनी बेटी को बोला धोती छोड़े। अरे छोड़ छोड़ मेरी लाठी, छोड़। तुम्हारी लाठी कहाँ, ये तो अम्मा की लाठी है ना। शब्द हमारे हैं परंतु विचार तो अम्मा के है ना। मेरी धोती छोड़। अरे गुंडा पे दादा, ये चूत तो समाप्त हो गया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ और नहीं है घर में। सारा दूध समाप्त कर दिया, इतना सारा दूध था। अरे अरे रुक, अरे आपको ये सब बच्चे मेरे हैं, आज से हम सब यही रहेंगे। कितने ताले बच्चे? सबके सब आपके हैं। क्यों, कोई संदेह है? नहीं नहीं आश्चर्य है। ओ सब वहाँ बैठ जाओ। देखिए आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरा आशा है कि आप सब यहाँ क्यों रहेंगे? आपके कारण, क्योंकि आपके कारण इनके पिता काल कोठरी में है। अब इनका लालन पालन करना आपका कर्तव्य है। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। रसोई घर में जाके देखो, अवश्य कुछ होगा खाने को। नहीं, 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 नहीं। कोई भी रसोई घर नहीं जाएगा, जिसको जो भी खाना है शारदा शारदा बनाकर खिलाएगी।
बेटा चिंता मत करो, मौसी बना के लाएगी गर्मा गर्म खाना। मौसी? अरे हाँ, मेरे लिए भी बना के लाना। शारदा जल्दी जाके कुछ बना कर ले आओ, नहीं तो ये सब पूरा घर सर पे उठा लेंगे। जाओ जाओ। वारामा, तूने तो धर्मशाला खोल दिए घर पे, आसपास के गांव से भी सभी बच्चों को बुला ले। चुप कर। मैं तो चुप हो जाऊंगा, इन बालकों का क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा बंधु, ये मामला तो गंभीर हो गया है। सावधान, महाराज कृष्णदेवराय दरबार में पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेवराय की जय। 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 कल कुछ महान विद्वान विजयनगर राज्य के अत्यंत बुद्धिमान लोग असमर्थ है हमारी कला को पहचानने में। कष्ट हुआ हमें बहुत, तो अपने हृदय में वो कष्ट और अपने साथ अपना चित्र लेकर हम एक उद्यान में विश्राम करने चले गए। और हम विचार कर रहे थे कि विजयनगर राज्य की जनता का कला को समझने का स्तर कितना नीचे गिर गया है। अत्यंत दुख की बात है। और तभी हमारी भेंट हुई एक अद्भुत कलाकार से, जिन्होंने हमारा चित्र पहचान लिया, परख लिया हमारी कला को। आप सबको तो लज्जानी चाहिए पंडित रामकृष्ण, महान आप नहीं वो है, वो कलाकार साक्षात ईश्वर का वरदान है उस कलाकार पर। क्षमा करें महाराज, क्या हम जान सकते हैं कि वो महान कलाकार कौन है? मिलवाएंगे गुरुवर, आज अभी हम आप सभी की उनसे भेंट करवाएंगे उस कलाकार से। मिलिए उनसे, देखिए उन्हें और सीखिए उनसे कि कला की परख क्या होती है, कलाकार कौन होता है। मात्र माँ ही इस कला को परख सकती है, साधारण मनुष्य के लिए तो असंभव है। अरे ये तो वही बच्ची है जो गुड़िया बेच रही थी। ले लो, ये तुम्हारे लिए, कल्याण हो। आइए आप यहाँ हमारे समक्ष आइए। और आप यहाँ हमारे निकट बैठ जाइए, यहाँ ये है वो नन्ही सी कलाकार, विजयनगर राज्य की सबसे नन्ही कलाकार, हमारे उद्यान के मालिक की पुत्री। इन्होंने हमारा चित्र परख लिया, कला की परख है, समझे आप गुरुवर? क्या कैसे समझ में आएगा महाराज, इसकी ये घोड़े की तबड़क 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 ध्वनि से क्या समझ में आएगा महाराज? इन बड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आता क्या? ये देखिए, ये आपकी घोड़े की पूंछ है। हमारे घोड़े की पूंछ है, ये पूंछ है हमारे घोड़े की, इन्हें परख है कला की। परंतु महाराज, ये किस दिशा से घोड़े की पूंछ लग रही है? इसमें तो चारों तरफ से रंग बिखरा हुआ है, जैसे कोई घास हो फैली हुई चारों दिशा में, इधर से उधर, उधर से इधर। पंडित रामकृष्णा, जब ये कह रही है कि घोड़े की पूंछ है तो है, इन्हें है कला की परख।
अरे पंडित जी, यदि घोड़ा हवा में उछल उछल के दौड़ेगा तो उसकी पूंछ भी हवा में उड़ेगी ना, तो पूंछ के बाल बिखरेंगे ना हवा में। इतना भी समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं, आ गया आ गया। आप जाइए अपने स्थान पर विराजमान होइए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम झिलकारी है। और स्नेह से इन्हें झिल्ली बुलाते हैं। सही कहा कृष्णदेवराय। देखिए, आप महाराज को नाम से नहीं बुला सकती। आपको ज्ञान है महाराज आपसे आयु में और पद में कितने बड़े हैं? नाम क्यों नहीं ले? हम भी कलाकार और ये भी कलाकार, और कलाकारों में कौन बड़ा और कौन छोटा? अद्भुत अद्भुत उत्तर दिया है गुरुवर आपके प्रश्न का। हमें स्वीकार है, आप हमें हमारे नाम से संबोधित कर सकती हैं, और हम इन नन्ही सी कलाकार से अत्यंत प्रसन्न एवं प्रभावित हैं, और हम इन्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। तो बताइए क्या चाहती हैं आप? अब मैंने आपकी कला को पहचाना तो आपको भी मेरी कला को पहचानना पड़ेगा। पहचानना पड़ेगा मतलब पहचानना पड़ेगा। अवश्य अवश्य पहचानेंगे, परंतु इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि आपके पास भी कोई विशेष कला है। एक नहीं, तीन तीन है। तीन तीन? तीन तीन। इसमें क्या कला है? इनसे अधिक सुंदर गुड्डे गुड़िया तो विजयनगर में शिल्पकार प्रतिदिन बनाते हैं। इनमें विशेष क्या है? ये तीनों एक जैसी तो हैं। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलती। मैं जो भी शब्द कहूँ उसका एक बहुत गहरा अर्थ एवं तात्पर्य है। इन तीनों गुड़ियों में अंतर है। अंतर है? नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। अंतर है। कलाकार का कष्ट आप नहीं समझ पाएंगे गुरुवर। यदि ये कह रही है कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर है तो अंतर है। जैसा आप कहें महाराज, होगा अंतर। तो बताइए क्या अंतर है इन तीनों में? बताइए आप, बताइए कृष्णदेवराय। हम बताएं? हमें तो भली भांति ज्ञात है कि इनमें क्या अंतर है, परंतु हम अपने इन रत्नों से जानना चाहते हैं कि क्या ये परख पाए हैं इन तीनों मूर्तियों में अंतर। हम इन्हें भी अवसर देना चाहते हैं अपनी त्रुटि सुधारने का। हम आप सभी को चुनौती देते हैं, आप में से कोई भी इन तीनों मूर्तियों के अंतर को पहचान सके तो अच्छा, यदि ना पहचान सके तो आप सब दंड के पात्र होंगे। तय हुआ, यदि आपके दरबार में कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुड़ियों में से अंतर ढूंढ पाया तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगी, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो क्या? तो मैं विजयी हुई, और मैं जो भी कृष्णदेव राय से मांगूंगी वो मुझे लाकर देना पड़ेगा, बिना कोई प्रश्न पूछे। देना पड़ेगा मतलब देना पड़ेगा। स्वीकार है, बिना कोई प्रश्न पूछे। तो दीजिए सच्ची मुच्ची का वचन। जब तक आप मुझे सच्ची मुच्ची का वचन नहीं दोगे तब तक मैं विश्वास कैसे करूंगी? उचित बात, ये लीजिए दिया सच्ची मुच्ची का वचन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.